भोपाली के सुवरपुर क्षेत्र से है, जहां पर नेत्रा पंचायत के लोगों ने राशन डीलर के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और बताया कि राशन की दुकान लाइसेंसधारी के भाई की ओर से संचालित की जाती है। साथ ही लोगों ने कम राशि सामग्री देने की शिकायत की और शिकायत करने पर लिस्ट से नाम हटाने की धमकी देने का आरोप लगाया। शिकायत पत्र पर एसडीएम ने प्रवर्तन निरीक्षक हरिहर सिंह को जाँच के लिए निर्देश दिए हैं। निरीक्षक ने उपभोक्ताओं की शिकायत पत्र पर रजिस्टर और स्टॉक की जाँच की। वहीं सिंदरू में प्रवासी लोगों ने अपना नाम सूची में जुड़वाने की मांग की। शिकायत के तुरंत बाद जो हमारे यहाँ के रसद अधिकारी हैं उनको मौके पर भेजा गया था और उन्होंने मौके पर रहकर शिकायतकर्ता को भी और सरपंच को भी मौके पर बुलाकर उन्होंने इसकी जांच की गई थी और जांच की जो विस्तृत रिपोर्ट है उन्होंने बना के जो हमारे जिला रसद अधिकारी हैं उनको प्रेषित अग्रिम कार्रवाई के लिए कर दी गई है। लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी शिकायतें आ रही है। कल अपने सिंदरू गांव में भी ऐसी कुछ शिकायतें आ रही थी कि लोगों को प्रवासी आए उनको राशन नहीं मिल रहा है। देखिए ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जो हमारा सिस्टम पुराना था खाद्य सुरक्षा का उसे हट के ये सिस्टम है जिसके अंदर हमने पूर्व में एक सर्वे कराया गया था। सर्वे के बहुत प्रकार थे, हमने खुद जाके सर्वे करा था, लोगों के लिए भी हमने लिंक खोला था, लोग खुद अपने घरों में बैठ के भी सर्वे करा सकते थे। उसके बावजूद भी कुछ लोग जो कि पात्र थे वो छूट गए थे और उसके लिए हमने पुनः सर्वे भी कराया था जो कि लोग आज की डेट में भी जो हमारे सरकारी कर्मचारी उनके माध्यम से अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से कुछ, क्योंकि गेहूं का अलॉटमेंट जो होता है वो पूर्व सर्वे के आधार पे हो चुका है, कई जगह पूरा गेहूं का अलॉटमेंट खत्म हो गया था तो हम पास की दुकानों से वहाँ पे अलॉटमेंट करवाते हैं तो इसमें थोड़ा हमें समय लगता है।